जिस तरह जनवरी में अयोध्या मंदिर का उद्घाटन किया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, उस टाइम ही हमारे मन में आ गया था कि अयोध्या के लिए छत्तीसगढ़ से अयोध्या को जोड़ना है। पहली बात तो अयोध्या के लिए बहुत दिक्कत होती थी ट्रैवल करने में छत्तीसगढ़ टू रायपुर से खासकर, तो अभी बहुत ज़्यादा सुविधा है कि हम डायरेक्टली जो है अयोध्या तक पहुँच सकें। जी पहले तो जय श्री राम बोलूँगा, और बहुत कम्फर्टेबल बस है, आराम रहेगा जाने में, ट्रेन से अच्छी है। पहले तो जय श्री राम, और बहुत अच्छे चालू की सुविधा है, बहुत जोरदार अच्छा लगेगा, और पहली बार जा रहा हूँ। अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने के लगभग 2 महीने बाद अब उनके ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सीधी बस सेवा भी अब शुरू हो रही है अयोध्या के लिए। अभी तक सिर्फ ट्रेन सेवा ही थी, फ्लाइट की मांग की जा रही है, हालांकि अभी वो शुरुआत नहीं हुई, लेकिन अब बस सेवा यहाँ से शुरू हो रही है। ये देख सकते हैं कि जो बस है रामरथ, बकायदा इसे नाम दिया गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि नाम पर भी फोकस करें, रामरथ इसे नाम दिया गया है। और बस की जो डिज़ाइन की है प्रभु श्री राम का, उसमें धनुष बाण लेते हुए ये चित्र दिखाया गया है। आपको बता दूं ये जो बस है रायपुर से सीधा अयोध्या के बीच में चलेगी, और रोज़ाना ये बस चलेगी यहाँ, और बहुत शानदार बस है यहाँ पर हम। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी टाइमिंग जो है वो भी बहुत शानदार है, क्योंकि लगभग देखा जाए तो ये लग्जरी बस है जो पूरी एसी बस रहेगी, और रोज़ाना रायपुर से यहाँ से चलेगी यहाँ। रायपुर की बात करें तो ये रायपुर से दोपहर के करीब 3:30 बजे छूटेगी, जो सिमगा, बिलासपुर, रतनपुर, रीवा, प्रयागराज होते हुए अगले दिन सुबह 9:30 बजे अयोध्या पहुँचेगी। अब वापसी में अयोध्या से 2:30 बजे बस निकलेगी, और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज होते हुए ये रायपुर पहुँचेगी यहाँ। तो ये जो है बस की टाइमिंग है, और अंदर की दिखाएं तो आपको अंदर भी काफ़ी कुछ लग्जरी दिखेगा, पन लगेगा, क्योंकि काफ़ी आरामदायक इसे बनाया गया है। और देखेंगे कि ये पूरी एसी बस है और काफ़ी कंफर्टेबल है। हमारे साथ पैसेंजर्स मौजूद हैं जो पहली बार इस बस से यात्रा कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे बताइए। आपने पहली बार टिकट कटाई या अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं, क्या कहेंगे? पहली बात तो अयोध्या के लिए बहुत दिक्कत होती थी ट्रैवल करने में छत्तीसगढ़ टू रायपुर से खासकर, तो अभी बहुत ज़्यादा सुविधा है कि हम डायरेक्टली जो है अयोध्या तक पहुँच सकें। जी क्या कहेंगे बताइए, सुविधा शुरू हुई है, कितना फ़ायदा मिलेगा? पहले तो जय श्री राम बोलूँगा, और बहुत कंफर्टेबल बस है, आराम रहेगा जाने में, ट्रेन से अच्छी है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे, अयोध्या बस शुरू हुई है, कितना राहत मिलेगी आप लोगों को, कितना कंफर्टेबल रहेगा? और पहले तो जय श्री राम, और बहुत अच्छे चालू की सुविधा है, बहुत जोरदार अच्छा लगेगा, और पहली बार जा रहा हूँ, जय श्री राम। जी देखिए पूरे यात्री जो है काफी उत्साहित हैं, बस के जो संचालक उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोगों ने क्या सोच के अयोध्या के लिए बस सेवा की शुरुआत की है, क्या कहेंगे? जिस तरह जनवरी में अयोध्या मंदिर का उद्घाटन किया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, उस टाइम ही हमारे मन में आ गया था कि अयोध्या के लिए छत्तीसगढ़ से अयोध्या को जोड़ना है बस से, इसीलिए हमने अयोध्या के लिए बस डायरेक्ट बस लग्जरी एसी बस चालू कर दी है। जी तो ये रायपुर से रोज रहेगी? रायपुर से रोजाना रहेगी, रायपुर से 3:30 बजे दोपहर के हर दिन रोजाना यहाँ से जाएगी। जी तो देखिए जैसा मैंने कहा कि रोजाना बस रहेगी, लग्जरी बस है ये, और लगभग बता दूं कि रोजाना 3:30 बजे यहाँ छूटेगी, और अगले दिन सुबह 9:30 बजे ये अयोध्या पहुँचेगी। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि छत्तीसगढ़ के हजारों यात्रियों को इस बस की शुरू होने से फायदा मिलेगा, क्योंकि सीधी बस उन्हें अब अयोध्या के लिए मिल पाएगी। और ट्रेनों में जैसा कहा है कि कई बार वेटिंग की स्थिति रहती है, क्लियर नहीं हो पाती है, तो ऐसे में बस अयोध्या जाने के लिए एक बहुत बेहतरीन साधन लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। तो आपका क्या कहना है इस सुविधा को लेकर, इस बस सुविधा को लेकर, और इससे आपको क्या लगता है कि कितना फायदा होगा, और आने वाले समय में अयोध्या के लिए जो बस सेवा शुरू हुई है, ट्रेन पहले से थी, तो क्या लगता है कि फ्लाइट की सेवा भी शुरू होनी चाहिए? इन तमाम चीज़ों पर अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। ये जो बस है इसकी जो सुविधाएं हैं इसको लेकर आपको क्या लगता है, उस पर भी कमेंट कीजिएगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। आप IBC 24 के YouTube चैनल के लिए कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन।